बताओ कि आपने ये जो ऑर्गेनिक जो अपना लिक्विड कंपोस्ट है वो कौन कौन सा फसल में यूज किया? मैं अभी प्याज, डिंगरी और अंगूर, हमें अंगूर बोलेगा तो डाली पीके तीन चीज पीके, और उसके बाद दूसरा पाउडर पीके, पाउडर पीके, पाउडर पीके। अच्छा, अब ये बताओ कि सबसे पहले प्याज के बारे में बताओ कि प्याज के बारे में जो आपने यूज किया तो प्याज में जो पहले आप केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड जो यूज करते थे तो उसके मुकाबले में ये वाला का रिजल्ट कैसा है? इसका रिजल्ट तो उससे भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको अगर पर एकड़ के हिसाब से अगर बोला जाए या पर गुंठा के हिसाब से बोला जाए या पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से भेजा जाए देखा जाए तो आपका जो पहले जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड के मुकाबले में इसका खर्चा कितना है? बहुत कम है, इससे बहुत कम। वो जो आपने रासायनिक वाला है उससे बहुत कम है, बहुत कम है। तो मतलब कि ये किसान और किसानों के लिए फायदेमंद का सौदा है, फायदे के लिए बात हुई है। दूसरी बात ये हुआ कि किसान के लिए फायदेमंद का सौदा है तो इसका मतलब किसान को कम लागत में हमारे को जैविक खेती से जैविक प्रोडक्ट मेरा तैयार होता है, होता है, और जिसमें कि यील्ड भी बढ़ रहा है, यील्ड भी बढ़ रहा है, बराबर ना, बराबर। तो ये तो आपने प्याज के बारे में बताया, प्याज के बारे में। अब उसके बाद ये जो आप बता रहे हो इसका वो डिंगड़ी का, हाँ। तो डिंगड़ी का हर एक साल लगाते हो? हर साल में बोलेगा तो छह महीने में दो बार होता है, हाँ, साल में दो बार लगाते हो। तो आपने दो बार जो लगाया तो दो बार में उसका जो क्रॉप निकला, हाँ। तो पहले जो क्रॉप आपने केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर और केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड से, हाँ। और अभी जो हम लोग का हमारा जो